सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकली वीआईपी चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं को बताऊंगा ड्रीम इलेवन अकाउंट को वेरीफाई कैसे करें। यहाँ पे कहा था जितना भी क्रिकेट मैच खेलकर आप पैसा वॉलेट में जमा करेंगे तो आपका वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो सकता? आपका अकाउंट वेरीफाई वहाँ पे होगा तभी आप पैसा अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, फ्रेंड्स अकाउंट को वेरीफाई करके और अपने अकाउंट को लिंक करके दोनों प्रोसेसिंग इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना ड्रीम इलेवन अकाउंट को आपको ओपन कर लेना। ओपन जैसे करेंगे इस तरह का आपके पास देखिए स्क्रीन यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपको साइड में यहाँ पे लोगो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक किया पे माई बैलेंस पे क्लिक करना। माई बैलेंस में जैसे क्लिक यहाँ देख लिए वेरीफाई न्यूज पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करें देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं शो करेगा वहाँ पर। मैंने पहले इसका लिया। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, वहाँ पे गूगल और फेसबुक ऑप्शन आएगा, दोनों में कुछ चूज करके वहाँ पर वेरीफाई कर लेना। मेरे दोनों वेरीफाई कर लिया और मुझे पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का जो नाम वो अपलोड करना, पैन कार्ड नंबर अपलोड करना, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना कौन से स्टेट के आप रहने वाले। चलिए यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ मैं गैलरी पे चल जाता हूँ और चलिए मैं जहाँ भी अपना पैन कार्ड का फ़ोटो रखा हूँ वहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपना अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ आपको जो पैन कार्ड में नाम हुआ पैन कार्ड में आपको यहाँ पर नाम लिखना। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब पैन कार्ड में जो नंबर वही आपको यहाँ पे डालना है। चलिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो आपके पैन कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए फिर से आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन खुल कर आपके पास यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर मेरा पैन कार्ड यहाँ पर हो चुका है। अब ये देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब बैंक का ऑप्शन यहाँ पर, जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आपके पास नहीं खुलेगा। चलिए मैं बैंक के पास यहाँ पर चल जाता हूँ। अपलोड करना अपलोड अकाउंट प्रूफ आपको या यहाँ जो भी लिंक कर सकते हैं, पेटीएम बैंक यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, कोई सा बैंक आपको वो लिंक कर सकते हैं। आपको प्रूफ में आपको कोई आपका जैसे पासबुक हो गया, आपको कोई चेकबुक है, वो आपको यहाँ पे फोटो इसका अपलोड करना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर लिंक करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पासबुक में मेरे पास पासबुक नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मेरे पास पेटीएम है, देखिए यहाँ पे लोगो है, पेटीएम को क्लिक करना। देखिए यहाँ पे ये लोगो, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेकर इसको डाल देता हूँ। मेरा अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर डाल देता हूँ। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से और मैं इसमें लगा देता हूँ। देखिए मैं अपलोड पर गैलरी पर क्लिक करें, गैलरी पर जैसे क्लिक करें देखिए मेरा यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड जैसे करेंगे यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं, क्यों कन्फ्यूज रहते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर क्या रहता है? अकाउंट नंबर आपका वही रहता है, जो आपका मोबाइल नंबर रहता है वही आपका अकाउंट नंबर रहता है। और इंडिया का जो कोड होता है 91 वो कोड आपको डाल देना। आपका जो मोबाइल नंबर पेटीएम जैसे ओपन करे थे वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना। चलिए यहाँ से मैं पूरा डिटेल से डाल देता हूँ। यहाँ से वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करना है ताकि ये कन्फर्म हो जाए। अब यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे वही आईएफएससी कोड डाल लेना है। आईएफएससी कौन होता है? चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ कौन सा आईएफएससी कोड होता है। देखो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर के नीचे में आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको डाल देना। चलिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ आईएफएससी कोड। यहाँ पर पेटीएम आपको बैंक का नाम लिखना है कौन सा बैंक, ये बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए यहाँ से मैं डाल देता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक। यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। आपको यहाँ पर ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है, ये ब्रांच है नोएडा, इसका ब्रांच पड़ता है नोएडा। वो नोएडा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट करने ही होगा तो आपको नोएडा डाल लेना, पेटीएम पेमेंट बैंक आपको यहाँ पे डाल लेना। जो सबको डालने के बाद यहाँ पे सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से अगर देखें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर खुल कर आएगा। देखिए यहाँ पर ये और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने बैंक यहाँ पे लिंक करा वही बैंक में हमारा पैसा वहाँ पे डायरेक्ट घुसेगा। पहले मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी वेरीफाई होता है, इसके बाद पैन कार्ड वेरीफाई होगा तभी ये ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। अभी जो मैंने बैंक लिंक करा वही बैंक में ड्रीम इलेवन का जो पैसा मैं जीतता हूँ, जो बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे वही बैंक में मेरा पैसा पहुँचेगा। आई होप कि वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं।